राधे राधे जी, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल गुजर फैमिली व्लॉग्स। और ये है हमारा छोटा सा गांव। आप में से कोई पहचान सकता है इसमें मेरा घर कहाँ पर है? अगर पहचान सकते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कोई पहचान क्या दिख रही है आपको। और मतलब छोटा सा ही विलेज है देखिए हमारा, और बस मैं भी हूँ वैसे इस पिक में। और आज है मदर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और ये है मेरी मम्मी। राधे राधे जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने इस चैनल में जिसका नाम है गुज्जर फैमिली व्लॉग्स। मैं अर्चना आपका वेलकम करती हूँ। पीहू बताना जरा खुशी को आ रहे हैं। और मुझे उधर आवाज़ लग रही है। एक मिनट, पहले मैं उनकी सुन लूँ। उधर से आवाज़ लगाई जा रही है मेरे को, क्योंकि उधर बना हुआ है घिया का जूस, और घिया के जूस पिलाने के लिए ज़रूर आवाज़ लगाई जाती है। मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी कि घिया का जूस कैसे बनता है, और वो बहुत ज़्यादा ना हेल्पफुल रहता है। और आज मेरी कंडीशन ऐसी है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इवनिंग टाइम में ना अपनी कॉम वगैरह नहीं की, जैसे मुँह हाथ वगैरह धोती हूँ। आज मशीन पर बैठी हुई थी, आज दिन है शनिवार। सबसे पहले ये बता दूँ, मॉर्निंग से कोई व्लॉग मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बस इवनिंग से ही कर रही हूँ अब। और मैं जा रही हूँ इधर जिठानी के घर, वो पता है आपको, घिया का जूस पीने के लिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। इतना ठंडा पीऊँगी कि जो पिया जाए एक घूंट में। एक सांस भर कर। हाँ कैसा बना? स्वाद है? ठीक बन रहा है, बस पतला ही रहा। पतला ठीक है। मैं तो करती हूँ, मैं तो ज़्यादा मिल गया सर। मेरे को तो पहले ही ज़्यादा है। ऐसा तो थोड़ा सा ठीक किया जा रहा। खुशी दिखा अपने वाला जूस इधर करके। क्या पी रहा है? मैं वहाँ से आई थी घिया का जूस पी के, आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उस दिन तो सो सो लगा था, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और यहाँ का ना लोबी का बल्ब जो है ख़राब हो चुका है, और याद ही नहीं रहता है वो दिन में मंगवाना। और अभी दिन छिपने वाला है, ये देखिए शाम का टाइम हो गया है, तो कर्टेंस वगैरह कर रही हूँ। मतलब 7 बज चुके हैं, आपको टाइम का तो पता भी नहीं लगता। और बस अब मैं जा रही हूँ किचन में, दाल बनानी है सिंपल सी। और मैं दाल की रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर करने वाली हूँ अभी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल, जैसे मैंने कल वाली दाल बनाई थी, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबुत मसूर की दाल। और उसके बाद मिलूँगी आप सबसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है हमारा ब्रेकफास्ट जो कि बनाया है हस्बैंड ने। बताइए कैसा लग रहा है देखने में? पास्ता। हस्बैंड ने उस दिन भी अच्छा बनाया था और आज वाला भी बहुत यम्मी बनाया था पास्ता। और काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी खुशी और के घर, और ये देखे कितने काले काले बादल आ रहे हैं उस साइड से, और हवा बहुत तेज़ थी। और ये मेरा घर है इधर, और ये देखिए आप इस पेड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा थी, बहुत ही ज़्यादा। आपके वहाँ कैसा मौसम था मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी यही वाला मौसम था संडे को सुबह। और ये देखिए 10:12 हो रखे हैं सुबह के, और बाहर का नज़ारा देखिए, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे रात के 10 बजे हुए हों। मैं आपको दोबारा टाइम दिखा रही थी, और ये देखिए बाहर का मौसम बिल्कुल ही ज़्यादा अंधेरा, और मतलब आधा घंटा ऐसा ही रहा था और बारिश थी तेज़ हवाओं के साथ। फिर धीरे धीरे मौसम जो है ठीक होता गया, और मैं खुशी और के घर ही आई थी किसी काम से, और यहीं रुक गई थी क्योंकि बारिश अचानक से एकदम से शुरू हो गई थी। और वो ये कि अपना काम भी फिनिश हो गया था, तो पीहू भी कहती यहीं खेलना है, तो हम यहीं रुक गए थे। वो सब भी फ्री बैठे हुए थे उस टाइम, क्योंकि काम 10 बजे तक सबका काम हो ही जाता है विलेज में, क्योंकि जल्दी उठते हैं तो जल्दी काम निपट जाता है। और ये देखिए अब थोड़ा सा ना मतलब रोशनी हो गई थी,
थी, लेकिन बारिश चल रही थी। एवरीवन गुड इवनिंग। आज सुबह से मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है, सुबह जो बारिश आ गई थी उसके बाद मैं ना वहीं बैठी थी खुशी और की तरफ। उसके बाद हमारे घर आ गए थे, एक शादी की ना एल्बम देखने लग गए थे, एल्बम नहीं सीडी प्लेयर में सीडी देखने लगे, वीडियो देखने लग गए थे। और उसके बाद हम चले गए थे कहीं पर ही पास में ही, और अभी आए हैं, अभी 5:30 हो चुके हैं। और बस अब मैं जा रही हूँ खुशी और के घर थोड़ी देर, क्योंकि रात को मैं बनाऊँगी दाल वाले पराठे। दाल रखी हुई है कल रात की, दोपहर को मैंने खाए थे कड़ी चावल, वो भी जिठानी के घर उन्होंने ही बना लिए थे। और अभी मैं वहीं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। डिनर के बाद एक रोटी बनाई थी मोटी सी मैंने, और उसका मैंने मिक्सी में उसको पीस लिया था, फिर ऐड की थी उसमें शक्कर। आप लोग समझ ही गए होंगे, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं ना वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं जो बना रही थी यहाँ पर चूरमा, और इस टाइप से मैंने पहली बार बनाया था। ऑलवेज़ मैं क्या करती हूँ, रोटी के टुकड़े कर लेती हूँ छोटे छोटे और फिर उसको मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन ये मैंने ना ऐसे ही वीडियो में देखा था किसी की यूट्यूब पर ही, कि रोटी को ऐसे ग्राइंड करके मिक्सी में और बना सकते हैं अच्छे से। और ये मैंने शक्कर और घी इसमें मिक्स कर दिया है, और इसके मैंने बना लिए थे छोटे छोटे लड्डू, और 3 लड्डू बने थे इसके, एक मेरा, एक हस्बैंड का और एक पीहू का। और पहले मैंने इनका भोग लगा दिया था, और मैं ये भोग उठाकर ला रही थी वहाँ से, तो मैं आपको दिखा रही थी यमी यमी लड्डू। अभी हुए हैं 8:30 या 9:15 का टाइम है, और डिनर वगैरह का काम जल्दी फिनिश हो गया था, क्योंकि सब्जी मैंने ले ली थी दीदी के घर से, फुलके बनाने थे, और उसके बाद मैंने बनाया था चूरमा एक रोटी का, मैंने वही खाया है। मैंने सिर्फ सब्जी खाई थी पहले, थोड़ा सा मीठा खाने का मन कर रहा था तो वो चूरमा बना लिया था। और मैं अभी देख रही हूँ मूवी बैठी, और मैं बड़े दिनों के बाद मूवी देख रही हूँ। वैसे मैं मूवी देखती नहीं हूँ, पीहू गई है उधर खुशी दीदी के पास, वो भी वहाँ पर टीवी में ही कुछ देख रही है उनके साथ बैठी हुई, और हस्बैंड बाहर हैं चौपाड़ में। मैं अकेली हूँ फाइनली आज घर में, वैसे मैं रोज़ बाहर सैर पर चली जाती हूँ, आज ठंड हो रही है बाहर की साइड ना, और मतलब पानी भर गया होगा आज घूमने वाले रास्ते पर, तो इसलिए मैं घूमने नहीं गई हूँ आज। और वही मेरा इंटरेस्ट बैठ गया था मूवी में, तो सोचा कि मूवी ही देख लेती हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आई नो कि लेट विश हो गया है, और ये व्लॉग तो आपको कल ही मिलेगा, वैसे भी मदर्स डे वाले दिन तो नहीं देख पाओगे, बट फिर भी। और मैंने बस सोचा कि व्लॉग का एंड नहीं हुआ है आज, तो व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। और पीहू आ गई है इसी बीच, मैंने इसीलिए व्लॉग रोक दिया था कि देखती हूँ पहले बाहर कौन है। पीहू कह रही है मैंने मूवी देखी हुई थी, वो नहीं देखेगी। मैं जो मूवी देख रही हूँ वो बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मैं तो यही देख रही हूँ इसलिए बैठे हुए उधर नहीं गई थी। और बस अब मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। जो फिल्म भागी 3 टीवी पे नहीं आई वो मैंने आज देख ली है। और आप तो कह रहे हो देखी हुई थी। हाँ देखी हुई थी, भागी 3 जो किसी और के पास नहीं आई। मेरी मूवी आ गई, अब मेरी मूवी आ गई है, तो चलिए मैं व्लॉग का जल्दी से यहीं पर ही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। आज के व्लॉग में वैसे कुछ अच्छा नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे व्लॉग को शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।